फ्री ऑफ कॉस्ट तो भाई पूरा कंटेंट अच्छा, क्वालिटी मतलब दो चैप्टर्स या दो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट नो पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीन टू डू इस गो वॉच द वीडियो लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय राइट चलिए देखते यारीडियो में हम आज क्या सीखने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पांडास फोर अब यार पांडास फोर क्या पांडास फोर तो कुछ नहीं होता यस yes, पांडास कुछ नहीं होता तो पांडास का ये फोर्थ सेशन है हमारा जिसमें हम सीखने वाले हैं पांडास के कुछ और एडिशनल फीचर्स uh, कुछ और एडिशनल थिंग जो आपको हेल्प करेगी पांडा समझने में तो यार देखो पांडा आपके सिलेबस में नहीं है आई नो बट यार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में पांडा से रिलेटेड सो यू शुड नो बेसिक कमांड्स ऑफ पांडास तो पांडा से रिलेटेड हम कुछ चीज सीख रहे हैं तीन हम इससे पहले पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं ये आपका फोर्थ पार्ट है जिसमें हम कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास टेंथ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिलहाल डेटा साइंस यूनिट चल रहा है जिसमें हम पांडास देख रहे हैं और भाई डेटा साइंस की बात आई है तो पांडास तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट करता ही है साथ में उसके ठीक तो है तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इसमें क्या देखने वाले आज अपन इंट्रोडक्शन अगर आप देखो सो प्लकिंग द राइट डेटा आउट ऑफ आर डेटा रिप्रेजेंटेशन इज क्रिटिकल टू गेटिंग वर्क डन देखो सही डेटा पिक करना टेबल है डेटा सेट है बहुत सारा डेटा है उसमें से राइट समय में राइट डेटा पिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट हाई वर् डेटा डज नॉट ऑलवेज कम आउट ऑफ द मेमरी इन द फॉर्मेट वी वॉन्ट इट इन राइट आउट ऑफ द बैट तो यार नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ता है एक्सटर्नली उसे फॉर्मैट करना पड़ता है एक्सटर्नली आपको उसको सही करना पड़ता है तो कुछ समरी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो समरी फंक्शन और मैपिंग के बारे में हम देखने वाले हैं आज सो समाइम्स वी है टास्क एट हैं और कुछ मैपिंग समरी फंक्शन की बात करूं तो क्या होता है? मेनी सिंपल समरी फंक्शन नॉट इन ऑफिशियल मतलब समरी फंक्शन कोई ऑफिशियल नाम नहीं है ठीक है डेटा इन सो इन सम यूजफुल वे तो यार बहुत सारे समरी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं we'll see some of them right now. तो समरी फंक्शन क्या करते हैं यार आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल देख के समझ में आ जाएगा कि कुछ समराइज कर देते हैं जैसे कि सपोज डेटा डेटा है तो डेटा में मीन मोड नि चाहिए आपको तो वो सब चीजें फाइंड करने के लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम तो वो सब चीज आप डेफिनेटली समरी फंक्शन से कर सकते हो तो वो कभी कभार आपको आउटपुट करने के लिए हेल्प करती है काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं कुछ हम यहां पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में आपको पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज मैप्स अब मैप मैप देखो यार में में भी हमने टर्म सुना हुआ। मतलब क्या होता है फंक्शन एक पर्टिकुलर हम कोई वैल्यू दे तो हमें एक आउ, एक रिजल्टेंट आउटपुट मिल जाए आंसर मिल जाए तो दैट इज मैपिंग ठीक है एक्स टू वाई मैपिंग ठीक है ये आप लोगों ने पढ़ रखा है राइट मैथ में आपने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं हम एक्स की वैल्यू देते हैं वाई मिल जाता है हमें राइट सो so हमने पढ़ा हो ना वाई जी को थ्रो इफेक्ट होता है एक y is equals to fx तो ये मैपिंग ही तो होती है कि आप x की वैल्यू दे रहे हो आपको y मिल जा रहा है तो ये मैपिंग है अब वही मैपिंग यहां पर भी एग्जिस्ट करती है पांडास में सो अ मैप इज अ टर्म बोरोड फ्रॉम मैथमेटिक्स ओनली फॉर अ फंक्शन दैट टेक्स वन सेट ऑफ वैल्यूज एंड मैप्स देम टू अनदर सेट ऑफ वैल्यूज तो एक वैल्यू ये लेगा और उसको मैप कर देगा जैसे तो सपोज अगर मैं लिखता हूं y is equals to 2x ठीक so है सो एक्स से वाई की मैपिंग है एक्स की वैल्यू वन रखोगे वाई की वैल्यू टू आएगी एक्स की वैल्यू टू रखोगे की वैल्यू फोर आएगी तो इस तरीके से मैपिंग हो रही है वही मैपिंग आपके यहाँ पांडाज में भी एग्जिस्ट तो तो करती है सो इन डेटा साइंस वी ऑफन हैव अ नीड फॉर क्रिएटिंग न्यू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एग्जिटिंग डेटा तो जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर जो ऑलरेडी कॉलम्स एग्जिट करते हैं उससे आपको कोई एक नया कॉलम कोई नया रिप्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत पड़ती है डेटा साइंस में

का, को सर्च करके टेन परसेंट डिस्काउंट करके उनका एक्चुअल प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो चाहिए डेटा तो वो डेटा तो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कॉलम क्रिएट करना पड़ सकता है ना तो वो आप डेफिनेटली पांडास की मदद से कर सकते हो ठीक है सो मैप्स आर वॉट हैंडल दिस वर्क मेकिंग देम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग आर वर्क डन जिसके बारे में हम देखेंगे ठीक है सो देर आर टू मैपिंग मेथड इन यूज ऑफ इन ठीक है सो दीज आर टू फर्स्ट इज मैप डॉट मैप और नेक्स्ट इज डॉट अप्लाई जो डॉट मैप है वो एक ही रिकॉर्ड लेता है और उसको मैप करता है सो इज द फर्स्ट एंड स्लाइटर सॉरी स्लाइटली सिंपल वन तो ये पहला है और सबसे सिंपल है ये पहला है और सिंपल है सबसे तो ये एक कॉलम लेता है उस कॉलम को मैप करने का काम करता है पूरा डेटा फ्रेम को मैप नहीं कर सकता ऑन द अदर हैंड अगर आप डॉट अप्लाई की बात करो तो डॉट अप्लाई डॉट मैप की तरीके से ही काम करता है बट पूरे डेटा फ्रेम पे काम कर सकता है सो डॉट अप्लाई इज इक्वलेंट मेथड इफ वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म अ होल डेटा फ्रेम बाय कॉलिंग अ कस्टम मेथड ऑन ईच रो सो वी कैन यूज डॉट अप्लाई

चलो तो हाइड, हाइड हो जाएगा अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा पांडास सॉरी पांडास पांडास ये क्या है हमारा फोर्थ फोर्थ पांडास की बात कर रहे हैं अपन फोर्थ लेक्चर ये यार वाइन डेटा हमारा ऑलरेडी जो पहले हमने यूज कर रहे थे ये वही वाला डेटा है इसको यहाँ डाल देता हूँ मैं जो पहले वाले वीडियो में हमने यूज किया था पांडास थ्री में वही है ये ठीक है तो यहाँ डाल दिया मैंने वाइन डेटा और यहाँ मैं, मैं खोल लूंगा कमांड प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर मैं कमांड डालूंगा जे पटा नोटबुक जे यू पी वाई टी आ ठीक है सो जीपेटर नोटबुक ओपन हो गया और इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा इसको भी मैं मिनिमाइज कर दूंगा चलो परफेक्ट अच्छा इसमें से यार मुझे वाइन की वाइन डेटा की मुझे एड्रेस की जरूरत पड़ेगी तो ये मैं ऑलरेडी कॉपी कर लेता हूँ ठीक है यू वेरी वेल नो क्योंकि मुझे लोड करने के लिए जरूरत पड़ेगी राइट चलो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक नया पाइथन थ्री आई पी वाई कर्नल बनाऊँगा है ना इसको नाम दे दूँगा पांडो ठीक है और यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे भाई पांडास एस पी ठीक है तो पांडास को पीडी की तो फॉर्म में इंपोर्ट कर लिया और परफेक्टली एक्सेल मेरा चल गया अब सबसे पहले क्या करूँगा भाई डेटा इंपोर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा मैं रिव्यूज इज इक्वल्स टू के नाम से डेटा लोड करूँगा सो मैं डालूंगा पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी इसके बारे में हमने सेकंड वाले पार्ट में देख लिया राइट right? तो ये हम रीड करेंगे और रीड करने क्या वाले हैं भाई तो हम रीड करने वाले हैं जो एड्रेस हमने लिया था वो कॉपी कर लिया था पांडास फोर में है वो और नाम है वाइन डैश डेटा ठीक है वाइन डेटा डॉट सी एस वी ठीक है और ये क्या है ये एक रॉ फाइल है तो इसमें हम रॉ डाल देंगे और कॉमा डाल के हम डाल देंगे इंडेक्स अंडर स्कोर कॉलम विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो परफेक्टली ऑलराइड right तरीके से चल जाएगा ये रिव्यूज uh, आप डेफिनेटली देख भी सकते हो है ना रिव्यूज को अगर देखोगे तो देखिए परफेक्टली ऑलराइड है इंडेक्स आपकी जीरो वन टू थ्री फोर है जो हम रिप्लेस कर चुके हैं कंट्री डिस्क्रिप्शन डेजिग्नेशन पॉइंट्स प्राइस प्रोविंस रीजन वन रीजन टू टेस्ट क्या ये टेस्टर नेम टेस्टर ट्विटर हैंडल टाइटल वेराइटी वाइनरी ठीक है सब चीज़ अवेलेबल यहाँ पे अब ये देखो इतना सारा इतना सारा चीज़ एक साथ देखना इज वेरी हेड वाला काम राइट तो हम क्या कर सकते हैं यार हम इसमें कुछ समरी फंक्शंस यूज कर सकते हैं जैसे कि एक सिंपल सा बताता हूँ विच इज़ मैं किसी भी सपोज कॉलम की बात करूँ कोई भी पर्टिकुलर कॉलम की बात करूँ उस कॉलम के बारे में सब डिटेल जाननी है तो मैं डेफिनेटली जान सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ मेथड विच इज डिस्क्राइब तो मैं डालूंगा रिव्यूज

डॉट हेड और हेड में मैं कॉल करूंगा क्या सिर्फ तीन वैल्यूज ठीक है सो तीन वैल्यूज मेरे लिए सर्व करनी तो अगर मैं पॉइंट्स में बात करूँ तो देखो पॉइंट्स में क्या है नंबर्स है आपकी ठीक है पॉइंट्स पाजड है नंबर्स हैं, ठीक है अब सपोज इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन जानना था देखो इससे आप डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं पूरा कैसे देखो क्या क्या डिटेल बता दे रहे आपको ये तो आपको काउंट बता दे रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं उसमें तो अगर आप देखो काउंट कितने हैं वन टू नाइन नाइन सेवन वन जो आप जब यहाँ पर भी देख पा रहे थे वैसे तो वन टू नाइन नाइन सेवन वन तो वही वन वन टू नाइन नाइन सेवन वन रिकॉर्ड्स बता रहा है काउंट बता दे रहा है आपको वन टू नाइन नाइन सेवन वन है उसका मीन बता दे रहा है पूरे डेटा का मीन जानने की जरूरत पड़ती है क्योंकि डेटा साइंस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का यूज है स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालेंगे निकालेंगे तो मीन पता चल गया आपको विच इज एटी एट पॉइंट फोर फोर सेवन वन थ्री एट इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको देता है थ्री पॉइंट जीरो थ्री नाइन सेवन थ्री जीरो मतलब वो आपके मीन के अबाउट कितना डेविएटेड है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल गया मिनिमम वैल्यू पता चल गई तो जो लीस्ट वैल्यू है वो पता चल गई कि मिनिमम वैल्यू क्या है तो मिनिमम वैल्यू इज एटी तो मिनिमम वैल्यूज का है ट्वेंटी फाइव परसेंट भी बदल चल गया ट्वेंटीज एटी 80 एटी सिक्स फिफ्टी परसेंटेज वॉट फिफ्टी परसेंटेज एटी एट पॉइंट जीरो 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 है ना सेवन फाइव परसेंट नाइनटी वन पॉइंट जीरो 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 मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 95 फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट लोग इससे ज़्यादा हैं फिफ्टी परसेंट इससे ज़्यादा है ट्वेंटी फाइव परसेंट इससे ज़्यादा है लाइक दैट ठीक है तो ये चीज़ है बाकी मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम इज हंड्रेड तो हंड्रेड क्या है मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइडेड है तो इस तरीके से यार आप क्या कर सकते हो आप पूरा डिस्क्रिप्शन जान सकते हो यार किसी के बारे में भी तो रिव्यूज डॉट पॉइंट से आपने ये डिस्क्रिप्शन जान लिया डिस्क्राइब कर लिया आपने पूरे क्या पूरे डेटा को ठीक है अच्छा ये डिस्क्राइब जो है टाइप स्पेसिफिक है मतलब आपने जैसे सपोज इस वाले कॉलम पे रन किया विच इज विच इज कंटेनिंग एंटेजर्स राइट तो इसमें एंटेजर्स है तो डेफिनेटली एंटेजर्स के हिसाब से उसने डिस्क्रिप्शन दिया है अब यही डिस्क्राइब मैं अगर सपोज किसी और में करूँगा सपोज मैं टेस्टर uh, नेम पे करता हूँ तो टेस्टर नेम तो डेफिनेटली नंबर्स नहीं है ना तो इसमें थोड़ी चलेगा तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो क्या आएगा तो एक टाइप स्पेसिफिक है उस टाइप के हिसाब आपको आंसर देगा तो अगर मैं सपोज डालूंगा रिव्यूज डॉट टेस्टर टेस्टर अंडर नेम डॉट मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा सो वट डू यू थिंक तो आपका ये इसके हिसाब से चीजें नहीं आ रही है ये नंबर था तो ये नंबर के हिसाब से डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के हिसाब से डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे ठीक है यहाँ फ्लोट के हिसाब से है या ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो यहाँ अगर आप देखो तो काउंट क्या है वन जीरो थ्री सेवन टू सेवन ठीक है अब देखो इससे काउंट अलग हो गया यहाँ पे, बिकॉज हर उस पर ज़रूरी नहीं है वो डेटा अवेलेबल ही हो ठीक है मतलब हर उसमें टेस्टर का नाम अवेलेबल ही हो वो ज़रूरी नहीं है तो इसीलिए उसने ये चीज़ कर दी ठीक है यूनिक क्या है नाइनटीन है नाइनटीन यूनिक है और टॉप क्या है विच इज़ रॉजर वॉस फ्रिक्वेंसी अगर मैं बात करूँ तो टू फाइव फाइव वन फाइव तो इस तरीके से टाइप स्पेसिफिक जिसके हिसाब से आपको जानना है तो उस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप ये रिव्यू डिस्क्राइब सॉरी .डॉट डिस्क्राइब फंक्शन का यूज कर सकते हो किसी भी कॉलम को डिस्क्राइब करने के लिए उसके बारे में जानने के लिए तो किसी भी कॉलम के बारे में जानना है तो डेफिनेटली सकते हो ठीक है अब इसी के बाद यार एक बहुत स्पेसिफिक फंक्शन आता है मतलब जैसे आपने देखा कि डिस्क्राइब में आपको मीन वगैरह मिल गया मोड वगैरह मिल गया स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिवेशन मिल गया आप तो स्पेसिफिक फंक्शन इसका यूज कर सकते हो ठीक है आप इस तरीके से डाल सकते हो कि यार मुझे पर्टिकुलर मीन फाइंड करना है तो आप डेफिनेटली डाल सकते हो रिव्यूज ठीक है रिव्यूज डॉट अब जिस भी कॉलम का आपको जानना है जैसे मीन मुझे सपोज पॉइंट्स का ही जानना है तो मैं डाल सकता हूँ पॉइंट्स डॉट मीन ठीक है तो मुझे क्या पता चल जाएगा मुझे रिव्यूज टेबल में जो पॉइंट्स कॉलम है उसका मीन पता चल जाएगा विच इज़ एटी एट पॉइंट फोर फोर सेवन वन थ्री एट जो यहीं पे था ठीक है सो तो अगर आप देखो मीन इज एटी एट पॉइंट फोर फोर एटी एट पॉइंट फोर फोर सेवन वन थ्री एट एटी एट पॉइंट फोर फोर सेवन वन थ्री एट ये और स्पेसिफिक आ गया टू जीरो सेवन सेवन फाइव फोर जीरो फोर टू बी और और स्पेसिफिक हो गया राइट तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो बाकी अगर आप चाहो सपोज आपको ये सर्च करना है कि यार किसी भी कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज है तो यूनिक वैल्यूज भी सर्च कर सकते हो किस तरीके से देखो तो जैसे सपोज मुझे इसी में टेस्टर नेम में यूनिक सर्च करना है जैसे कि पे नाइनटीन है तो आप ये स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हो कैसे देखो सो रिव्यूज डॉट टेस्टर अंडरस्कोर नेम डॉट यूनिक ठीक है तो यूनिक में कॉल कर सकता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा यूनिक क्या क्या है तो देखो कैरिन ओ कैफी रॉजर वॉस पॉल ग्रेउट है ना लाइक दैट सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन ट्वेंटी तो ट्वेंटी वैल्यूज आ रही है जिसमें से एक है एन ए एन है ठीक है तो नाइनटीन वैल्यूज़ है मुझे यूनिक काउंट करके दे रहा है जिसमें एन ए एन भी इंक्लूडेड है ठीक है अच्छा एन ए एन इसमें एक ही बार आएगा दो बार नहीं आएगा तो भी मल्टीपल टाइम्स है तो एक ही बार आएगा अच्छा ये एन की वजह से ये काउंट यहाँ पे कम भी हुआ था ना जो काउंट कम हुआ था वो एन की वजह से ही हुआ था और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो तो अच्छा इसके बारे में बताता हूँ चलो एक आपको अगर ये जानना है कि पर्टिकुलर उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर नाम की कितनी फ्रिक्वेंसी है तो वो भी आप जान कर सकते हो कैसे तो वो सिंपल टाइप करना है रिव्यूज डॉट टेस्टर टेस्टर अंडरस्कोर नेम डॉट वैल्यू अंडर स्कोर सी ओ यू एन टी काउंट ठीक है ये मैं सर्च है ये काउंट्स होता है तो अगर आप देखो तो यार हर जो 19 आपके पास नेम्स थे उनके काउंट आ गए जैसे रॉजर वॉस का काउंट आ गया ये है फिर इनका काउंट ये है ये है ये है ठीक है इस तरीके से पूरा काउंट आ गया अब इसमें से अगर आप देखो तो मैक्सिमम किसका है अब ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया तो सबसे ज़्यादा वाले का सबसे ज़्यादा ऊपर है और सबसे कम वाले सबसे नीचे हैं तो सबसे ज़्यादा वाले क्या है रॉजर वॉस ही हैं टू फाइव फाइव वन फोर तो देखो वही चीज़ विजिबल है ना यहाँ पे तो टॉप क्या है टॉप है रॉजर वॉस और इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी टू फाइव फाइव वन फोर तो देखो टू फाइव फाइव वन फोर फ्रिक्वेंसी रॉजर वॉस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले हैं टॉप पे हैं तो वही चीज़ देखो यहाँ पे विजिबल हो गई तो ये आप डिस्क्राइब करके पूरा समरी भी जान सकते हो समरी फंक्शंस के तरीके से या फिर यूनिक इस तरीके से डाल के आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में भी जान सकते हो या आपको डिटेल में बता देगा ठीक है तो इस तरीके से कुछ आपके डिस्क्राइब फंक्शंस कॉल करते हैं और ऐसे बहुत होते हैं ठीक है तो यू डोंट हैव टू वरी ये आपको सिर्फ सर्च करना है राइट चलो अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई मैपिंग वाला पार्ट तो मैप मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू देना और कुछ आउटपुट मिल जाना इसको हम मैप कहते हैं इसको हम लामडा फंक्शन की मदद से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ठीक है जैसे सपोज मुझे मीन सर्च करना है तो जैसे मैंने मीन यहाँ पे सर्च किया था अब जैसे ये मैंने कोई भी मीन सर्च किया था मैं इसको एक वेरिएबल भी असाइन कर सकता हूँ जिसको मैं आके बार बार यूज कर सकता हूँ तो वही चीज़ मैं करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ यार रिव्यूज रिव्यूज ठीक है अंडरस्कोर पॉइंट्स अंडरस्कोर मीन ठीक है एजिकल्स टू मैं डाल दूंगा रिव्यूज डॉट पॉइंट्स मतलब ये मैं वेरिएबल दे रहा हूँ और इसमें फिर फंक्शन पास कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या था ये मेरा था वेरिएबल अब मैं फंक्शन पास कर तो रिव्यूज डॉट पॉइंट डॉट मीन और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा तो अब ये जो वेरिएबल है इसमें क्या हो गया मीन आ गया अब अगर सपोज मैं इस वेरिएबल को कॉल करता हूँ तो मेरा क्या मिल जाएगा मुझे मीन देखने को मिलेगा तो देखिए एट एट पॉइंट फोर फोर सेवन वन थ्री एट टू जीरो सेवन सेवन फाइव फोर जीरो फोर मीन ठीक है अब यही काम मैं क्या कर सकता हूं देखो अब मैं जो हूं मैप कर सकता हूं मतलब अगर सपोज मुझे चाहिए कि जो मैंने पॉइंट्स का मीन निकाला है अब हर पॉइंट की वैल्यू पर उसका मीन सब करके मुझे आंसर बताओ तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं हेल्प ऑफ मैप्स फंक्शन तो मैं डालूंगा रिव्यूज डॉट पॉइंट्स डॉट मैप ठीक है अब मैप क्या करेगा एक इंडिविजुअल वैल्यू लेगा और उसका आउटपुट करेगा सिंगल वैल्यू लेगा ठीक है हर कॉलम के से. सॉरी हर कॉलम से नहीं एक कॉलम से हर रोके एक सिंगल वैल्यू लेगा तो अब मैं मैप कर सकता हूँ इसमें एक लामडा फंक्शन पास कर सकता हूँ सॉरीडा अब मैं एक हाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा तो डेफिनेटली पी बना लेता हूँ चलो है ना लामडा पी और ये पी क्या करने वाला है पी uh, में से मैं क्या करने वाला हूँ माइनस uh, करने वाला हूँ रिव्यूज अंडरस्कोर पॉइंट्स डॉट मीन वाला जो पार्ट है तो विच इज रिव्यूज वाला पार्ट ठीक है तो बेसिकली मैं कर के रहा हूँ मैं पी विच इज विच इज वॉट आई एम फेचिंग फ्रॉम पॉइंट्स मतलब मैं फेच कर रहा हूँ ठीक है तो अब ये कॉलम है तो हर कॉलम के एक एक रो से वैल्यू मिल रही है तो वो वैल्यू पी पे चली जा रही है अब ये पी में इस फंक्शन को कॉल कर मतलब इस 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 ऑपरेशन को दे रहा हूँ जिसमें पी में से हर पॉइंट उस हर उसमें से वैल्यू में से, से आपकी जो मीन वैल्यू है वो सब हो जा रही है अब तो देखो उसको मैं रन करूंगा तो देखो क्या गया मेरे पास हर कॉलम आ गया जिसमें से आपके पॉइंट में से उस पॉइंट की मीन वैल्यू को सब कर रखा है और फिर आपको आंसर बता रखा है क्या है ठीक है तो इस तरीके से आप ये फंक्शन डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हो अब देखो ये तो क्या था ये जो आपने मैप लिया तो मैप तो क्या है सिंगल वैल्यू लेता है मतलब सिंगल ही आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो वैल्यू बट अगर आपको पूरे कॉलम मतलब पूरे डेटा फ्रेम में ये चीज़ करनी है

अब ये जो काम है ये सिंगल रो में नहीं कर रहा हूं अब मैं यही जो फंक्शन है ये फंक्शन रन नहीं कर रहा हूं फंक्शन में अप्लाई करूंगा डेटा फ्रेम में हर हर कॉलम में ठीक है तो मैं क्या करने वाला रिव्यूज डॉट अप्लाई रीमीन अंडरस्कोर पॉइंट्स ठीक है और इसमें मुझे एक्सेस जरूर स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि जो अप्लाई मैं कर रहा हूँ ये किस एक्सेस पे कॉलम पे इंडेक्स uh, पे किस पे तो मैं जो पर्टिकुलर करने वाला हूँ वो कॉलम पे करने वाला हूँ एक्सेस एज इक्वल्स टू कॉलम होने वाला मेरा ठीक है इसको रन करें। तो रन करने में एरर आ गया रिओके ओके ओके ओके। ये रिव्यूज होना चाहिए ठीक है रन करते हैं नेक्स्ट की एरर। ओके ठीक है sorry, sorry, और फिर से एरर आ गई रो अंडर स्कोर पॉइंट इज नॉट डिफाइंड सेकेंड लाइन में सेकेंड लाइन में सेकेंड लाइन में रो अंडर स्कोर पॉइंट अच्छा सॉरी दिस इज डॉट है ना रो डॉट पॉइंट्स अभी परफेक्टली चल जाना चाहिए इट्स टेकिंग टाइम ओके परफेक्टली चल गया क्योंकि पूरे कॉलम मतलब पूरे डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर रहा था तो थोड़ा सा टाइम लेता है बट ये देखो परफेक्टली इसका आंसर आ गया पॉइंट्स में दे दिया है और इसने देखो आपके पॉइंट्स को हर पॉइंट को मीन से सब्ट्रैक करके इसको प्रोवाइड कर दिया आपको ठीक है तो हर पॉइंट को मीन से सब्ट्रैक करके उसने दे दिया है राइट right? तो ये पूरे डेटा फ्रेम पे आपने अप्लाई कर दिया है बट क्या आपको लगता है कि इससे जो है आपका डेटा फ्रेम अफेक्ट होगा सो आंसर इज नो अगर आप नॉर्मल वापस से वही रिव्यूज वाली डेटा फ्रेम को ओपन करोगे डॉट हेड करके इसमें पांच वैल्यूज अगर मैं

रिव्यूज ठीक है रिव्यूज अंडरस्कोर ये फिर मैं सिर्फ मीन लिख देता हूं ना अभी फिलहाल मुझे पता है चलो पूरे लिख देता हूँ रिव्यूज अंडरस्कोर अंडरस्कोर पॉइंट अंडरस्कोर मीन ठीक है ये मीन फाइंड कर दूंगा नॉर्मल जैसा होता है हमारा रिव्यूज डॉट पॉइंट्स डॉट मीन ठीक है तो ये मीन फाइंड हो गया ओके okay, कुछ गलती आ गई पॉइंट्स डबल पी ठीक नो इट्स वर्किंग वेल तो ये आपने मीन फाइंड कर लिया अब क्या करो यार देखो सिंपल से काम करो कॉलम uh, को कॉल करो रिव्यू डॉट कॉलम को कॉल करो जो भी कॉलम आपको विच इज पॉइंट्स और उसमें से मीन को सब कर दो दैट्स ऑल आपको कॉलम का आंसर आ जाएगा दैट्स ऑल यू नीड टू डू ठीक है तो आपको करना क्या है रिव्यूज डॉट पॉइंट्स सॉरी नॉट अंडरस्कोर माइनस बिकॉज ये हमने रिव्यूज डॉट पॉइंट आपको आ, हमें कॉल कर लिया मतलब रिव्यूज डेटा सॉरी रिव्यूज टेबल में से हमने पॉइंट कॉलम को कॉल कर लिया अब इसमें से हमें इसको सब ट्रैक कर देना किस को मीन को विच इज रिव्यूज सॉरी रिव्यूज अंडरस्कोर पॉइंट अंडर स्कोर मीन ये आपका था देखो ये था यही सेम आज चीज यहाँ लिखते हैं मैंने इसको मैं रन करूंगा तो देखो आपका वही जो चीज आपने ऊपर करी थी देखो कितनी सिंपली रिटर्न हो गया है ठीक है तो क्योंकि ये काम तो आपने ऊपर भी किया ही था देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यही काम आपने यहाँ पर भी किया ही था

पांडाज आपको कुछ बेसिक काम करने के लिए बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्पेशल फीचर्स मतलब देता है मैप के कुछ स्पेशल फंक्शंस को प्रोवाइड करता है सिम्प्लिसिटी से यूज करने के लिए बट जब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आपको ऑपरेट करने होते हैं देन यू नीड टू गो फॉर अप्लाई और मैप ठीक है, है? तभी आपका वो चीज़ चल पाएगी अब जैसे एक बहुत सिंपल सा काम है जैसे सपोज अब जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो एक काम ये हुआ कि आपके पॉइंट्स

पांडास की ब्यूटी है कि ये समझ ले रहा है कि जो आप करना चाह रहे हो आप क्या करना चाह रहे हो आप हर इसके वैल्यू में से मतलब जो पॉइंट्स कॉलम है उसके हर रो में से आप इस मीन को सब करना चाह रहे हो ये पांडास खुद ब खुद समझ ले रहा है यही पांडास की ब्यूटी है ठीक है अब यही काम अगर सपोज मैं ऐसा करूं कि मैं इसको मल्टीपल दे दूं मतलब आ, अब वन वैल्यू देने के बजाय मैं अगर इसको दे दू, दे दूं दूं फॉर पर्टिकुलर तो ये उसको भी ऑपरेट कर लेगा जैसे कि सपोज यहां पर आपको समझ में आ गया कि पॉइंट्स जो है बहुत सारी वैल्यूज थी अलग अलग रोज में और ये जो मीन थी ये सिंगल वैल्यू थी अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं रिव्यूज अब ये चीज मैं स्ट्रेंग्स में करता हूँ जैसे कि सो रिव्यूज डॉट कंट्री कॉल करता हूं मैं ठीक है अब ये कंट्री क्या है देखो रिव्यूज डॉट कंट्री ये रहा है ना कहा रहा कंट्री देखो ये रहा कंट्री अब कंट्री को मैं क्या करना चाहता हूं यार मर्ज कर देता हूं रीजन से अब रीजन कहा है देखो भाई तो ये रहा रीजन ठीक है तो रीजन वन से मैं मर्ज कर देता हूं तो कंट्री को मैं रीजन वन से मर्ज कर देता हूं तो क्या मैं कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं बट यहां नोट करिएगा कि कंट्री में भी कुछ आपकी बहुत सारी वैल्यूज है रीजन वन में भी बहुत सारी वैल्यूज है और हर ये जो वैल्यू है ये मर्ज हो जाएगी इससे जैसे कि इटली इटना से मर्ज हो जाएगी फिर पॉलिटिकल के साथ कुछ भी नहीं है तो एनएन आ जाएगा यूएस के साथ वेलेमेट वैली आ जाएगा ठीक है फिर यूएस के साथ लेक मिशिक शोर आ जाएगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो डेफिनेटली मर्ज कर सकते हो ठीक है तो अगर सेम नंबर ऑफ रोज है दोनों कॉलम्स में तो ये इंडियन हर रो को उठा के ये कर सकता है बट अगर आपने इस तरीके कि uh, से ऑपरेशन एक सिंगल वैल्यू है तो आप मल्टीपल रोज में से एक सिंगल वैल्यू को बार बार सब्ट्रैक कर सकते हो मतलब हर रो में से सब करने की बारी चल रही है मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 87 में से मीन सब्रैक करो फिर 87 से मीन सब्रैक्ट करो फिर 87 से मीन सब्ट्रैक करो इन सो ऑन लाइक दैट तो ये काम आप करना चाह रहे हो ठीक है तो ये काम जैसे आप यहां पे कर सकते हो वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो मर्ज का काम जिस मैं इसमें क्या कर दूंगा कंकैटिनेट कर दूंगा प्लस से

मर्ज कर दिया ठीक है, लाइक दैट मर्जिंग हो गए. But से जब आप नल वैल्यू से मर्ज करो तो कुछ नहीं आ रहा आपका आ जा रहा आपका जा है, इज नॉट गुड लाइक दैट ठीक है तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी है ना अब इसी तरीके से आप यूएस well कर सकते US, uh, कर हो यूएस को डैश मतलब ठीक है सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी और इस तरीके से आप पांडास के साथ आ, क्या कर सकते हो मैपिंग का काम कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन का, का काम कर सकते हो तो जो आपको सपोज समरी मैप्स सही समरी फंक्शंस को कॉल करना है तो समरी फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर सकते हो और इस तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो यही ये यह ब्यूटी है पांडास की जो उसको इतना ज्यादा यूजफुल बनाती है यही सब चीजें हैं पांडास की जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं इसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज डेटा साइंस में इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है जब डेटा एक्सप्लोरेशन चल रहा होता है ना जब एक्सप्लोर कर रहे हो डेटा को तब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है है राइट सो आई होप यहां तक कुछ चीज समझ में आ गई तो यही था हमारा फिलहाल इस पांडस फोर वाले पार्ट का एजेंडा जिसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया ठीक है जिसमें हमने आपका समरी uh, फंक्शन और मैं आपको मैप फंक्शंस को देख ले कि किस तरीके से रन कर सकते हैं राइट right. अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा पांडव से रिलेटेड तो उसके लिए जुड़े रहिएगा फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसको बंद कर देता हूँ तो इसको लॉग आउट कर देता हूँ लीव कर देता हूँ आउट हो गया ये और उसको क्विट कर देता हूँ ठीक है इसको भी लॉग आउट कर देता हूँ उसको भी बंद कर देता हूँ और इसको बंद करके मैं क्या करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट को भी बंद कर दूंगा यहाँ पे तो कमांड प्रॉम्प्ट कंट्रोल प्लस सी से इंटरप्ट होता है ठीक है तो अगर आपको इंटरप्ट जनरेट करना है सो यू नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस सी मल्टीपल टाइम्स प्रेस कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगाता है ठीक है तो ये हो गया इंटरप्ट अब इसको बंद कर दीजिए तो अब आपका ये पांडा फॉर कंप्लीटली हो गया बंद तो so, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो ये आपका वीडियो भी हम यहाँ पे खत्म करते हैं प्रैक्टिकल वाला चलते हैं अपनी स्लाइड पर और स्लाइड को करते हैं सॉरी वीडियो करते हैं कम्प्लीट ठीक है चलिए गाइस सो आई होप आपको थेरिटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि, कि किस तरीके से आप समरी फंक्शंस और मैप का यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस तो यार पांडास में ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो आपको यूज करना चाहिए ठीक है जो आपको एक्चुअली तो पता होना चाहिए बट हां ऐसे बहुत सारे फंशन एग्जिस्ट करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आगे आने वाली बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आप पांडास डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हो तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं डालना है जनरल फंक्शन सर्च करने Python, Pandas के सारे आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा वहां पर पूरी लिस्ट होगी किसी भी एक पर्टिकुलर को सेलेक्ट करके आप उसको देख सकते हो और उसके बारे में सीख सकते हो ठीक है तो सिंटेक्स की आपको टेंशन नहीं लेनी के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है सिंटेक्स नॉट वॉट यू हैव टू वरी अबाउट यू हैव टू वरी अबाउट केयर वो चीज एग्जिस्ट करती है उसको यूज

है ना सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिक ऑन वॉच नाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते उस हो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ पे आप को मैग्नेट बेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा एन टी एस सी बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड एनसीआर बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें सारा कंटेंट आपको यहां पे मिल जाएगा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मिल जाएगा एंड दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नी टू डू इज लर्न फ्रॉम दैट राइट ऐसे ही इसी चैनल की तरीके से हमारे पास एक और यूट्यूब चैनल है भाई विच इज मैगनेट बेन्स हिंदी तो इसको और एक बार एक्सप्लोर करिएगा करेगा आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और गैस अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है मेहनत अच्छी लगती है प्लेलिस्ट पसंद आती है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट का जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंड से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो तो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच